खतने का खाना हराम है, खतने का खाने की अगर कोई दावत करे तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर अकीका कर रहा है सातवें दिन और सातवें ही दिन बच्चे का अकीके में खतना करा लेता है तो उसको खतने की दावत नहीं, उसको अकीके की दावत कहना चाहिए, अकीके की दावत में जाना चाहिए, वो मसनून है, सुन्नत है। और सुन लीजिए, अकीका सिर्फ सातवें दिन जायज़ है, बस अकीका सिर्फ सातवें दिन जायज़ है। सातवें दिन के बाद ना चौदहवां दिन ना इक्कीसवां दिन, ये सिर्फ अपनी तरफ से बनी हुई खुराफाते हैं, इसको चाहे जो कह लो, ये सारी चीज़ें गलत हैं। सातवें दिन अगर आपके पास इस्तेआत है तो अकीका करें, और अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी में अल्लाह ताला जब आपको मौका दे दे और जब साहिब इस्तेआत हो जाएं आप, तब आप अपने बच्चे की तरफ से अकीका कर सकते हैं। चौदहवें दिन और इक्कीसवें दिन की कोई वो नहीं है। अब बहुत से लोग इस्तेआत वाले तो हो गए लेकिन अभी नहीं करते अकीका, क्या करते हैं, बेटे की शादी है उसकी शादी में बेटे का भी कर देंगे और पोते का भी कर देंगे, बीवी का भी कर देंगे। एक गाय लाए दो बेटे की तरफ से, एक बहू की तरफ से, एक और पोता हुआ दो उसकी तरफ से, साथ इससे अल्लाह एक गाय कर दी और साथ इससे नहीं चलेगा। अकीके में बड़ा जानवर ही नहीं चलेगा, अकीके में दो बकरे चाहिए, छोटे जानवर दो भेड़ या दो दुम्बा या दो मेंढा या दो बकरा हो, लड़का है तो, लड़की है तो एक, लड़की है तो एक, लड़का है तो दो। अगर आपके पास तंगी है और नहीं कर सकते हैं लड़का है दो नहीं तो एक भी कर सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन अगर है तो दो करिए। और सुनिए, अकीके में दो दांत का होना ज़रूरी नहीं है, अकीके में दो दांत का जानवर होना ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी वाले अहकाम यहाँ नाजिर नाफिज नहीं होंगे। इतना बड़ा अब दो दांत का ज़रूरी नहीं है तो इतना छोटा भी ना हो कि आज ही पैदा हुआ हो दो लाख कर दो। मुकाफियतान इतना बड़ा होना चाहिए कि वो देखने में लगे कि हाँ बकरा है, बकरी है, उसको बच्चा ना कहा जा रहा हो, बकरी कहा जा रहा हो या बकरा कहा जा रहा हो, इतना लगना चाहिए। कम से कम दो दांत नहीं है तो चलेगा, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि लग रहा हो जैसे एक महीने का उठा के लाके ज़िबा कर दिया, नहीं तो दो बकरे लड़के में और लड़की में एक, ये होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आप मैयत के लिए कब्रस्तान में दुआ करें, दुआ में हाथ उठाने को का जहाँ तक मसला है वो काबिल एतराज़ है, दुआ करना नहीं। अल्लाह के रसूल ने खुद कहा अपने भाई के लिए दुआ करो, हैं बस अलान इससे सवाल किया जाएगा, इससे पूछा जाएगा।